आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सैमसंग एसी रिमोट फंक्शन के बारे में बताएंगे कि कैसे आप रिमोट को यूज़ करके एयर कंडीशनर के मोड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई मोड या फिर स्लीप मोड। एयर कंडीशनर के अंदर जो आपको विंड फ्री टेक्नोलॉजी मिलती है वो रिमोट के थ्रू आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, साथ ही आप ऑटो क्लीन फीचर को यूज़ करके कैसे इंडोर यूनिट की कूलिंग कॉइल्स को क्लीन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके के यूजफुल वीडियो आपको हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो कि आपका नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर उसका 24 डिग्री आएगा, जो रूम के लिए सफिशिएंट रहेगा। अपने को यहाँ से फास्ट कूलिंग करना है तो फास्ट कूलिंग से यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, अपन इसको डाउन कर सकते अप कर सकते। नॉर्मल 22 से 24 डिग्री रहेगा, अपने को लगता है कि अपने को हार्ड कूलिंग चाहिए, ज़्यादा कूलिंग, तो इसको अपन 16 डिग्री तक के कर सकते हैं। 16 डिग्री पे ज़्यादा कूल करेगा, जितना कम डिग्री करोगे आप उतना ज़्यादा कूल करेगा, जितना प्लस करोगे उतना कूलिंग कम होगा। तो यहाँ पर अपन अभी फास्ट कूलिंग के लिए अपन 16 डिग्री पे लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड चीज़, यहाँ पे आएगा मोड। मोड पे अपन यहाँ पे मोड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पे ऑटो आएगा, यहाँ पे ऑटो मोड आएगा। सेकेंड पे अपना कूल मोड आएगा, यहाँ कूल मोड पे चला हो गया आप तो कूलिंग सेट करके अपन चला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ड्राई मोड आएगा, बारिश वगैरह में यूज़ कर सकते हैं अपन ड्राई मोड। उसके बाद में यहाँ ऑप्शन आएगा फैन का, अपन फैन का स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन इसको कूल मोड पे कर लेते हैं। कूल मोड पे करने के बाद में 2 से 3 मिनट के बाद में कंप्रेसर ऑन होगा, 2 से 3 मिनट के बाद में कूलिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद में यहाँ पे आएगा सिंक का, अपन ये जो सिंक का ब्लोअर का है, सिंक का अपन इसको अप डाउन कर सकते हैं। सेकेंड चीज, अंदर की जो है इसको साइड बाय साइड कर सकते हैं, ये साइड बाय साइड ऑन हो गई, अप डाउन ऑन हो गई, तो टोटल रूम में हवा आएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ एक ऑप्शन आएगा ब्लोअर का, इसमें एक ऑप्शन यहाँ आएगा, ये दिख रहा है आपको, इससे ये होगा कि इसका सिंक का ऑफ हो जाएगा। उसके बाद में ऑफ होने के बाद में ये जितने भी होल है, 32,000 होल है ये, इसकी वो वहाँ से कूलिंग आएगी, तो इसको ऑफ कर देते हैं। ये अपन ने ये फंक्शन ऑन किया है, ये उसका स्विंग ऑफ हो जाएगा। अब कूलिंग पूरे एसी में से आ रही है चारों तरफ से। उसके लिए कौन सा बटन, ये बटन है आएगा उसका, अपन इसको नॉर्मल पे रखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक फैन का ऑप्शन दिया है, अपने को लगता है कि अपने को फैन स्पीड में चाहिए प्रॉपर, तो इसको अपन 3 सेकंड के लिए पुश करना है अपने को। 3 सेकंड के लिए पुश करते हैं तो इसका फैन का स्पीड फुल हो जाएगा। फैन की स्पीड कम ज़्यादा करने से आपने फुल, हाँ, जितना अपने को जैसे फास्ट कूलिंग चाहिए तो अपन उसको फैन का जितनी स्पीड बढ़ाओगे अपन उतना फास्ट कूलिंग करेगा वो। टेम्परेचर पे कम कर, हाँ, टेम्परेचर माइनस कर दो, और अभी अपन ने फास्ट फैन पे लगा रखा है, कूलिंग भी होगा फास्ट भी होगा। अपन इसको फिर से हटा देते हैं, 3 सेकंड के लिए दबाना है अपने को, ये फिर से हट जाएगा। यहाँ टाइमर का ऑप्शन दिया है, टाइमर अपन सेट कर सकते हैं कितनी देर बाद में ऑफ करना है अपने को ऑटोमेटिकली। यहाँ पे अपन ऑटो क्लीन कर सकते हैं, जैसे अपने को एसी के क्लियर करना है जो भी डस्ट वगैरह है, ऑटो क्लीन को 3 सेकंड तक पुश करना है तो उसके अंदर की डस्ट वगैरह जो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेट का, सेट का ऑप्शन ऐसा आएगा, अपन फैन और कूलिंग दोनों एक साथ सेट कर सकते हैं। इसको 3 सेकंड के लिए पुश करना है, यहाँ पे फैन और ये दोनों एक साथ कूल मोड पे आ गया, इसको अपन प्लस एंड माइनस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऑप्शन है, ठीक है।
इस एयर कंडीशनर के अंदर दोस्तों एक अच्छी बात यह है कि रिमोट के थ्रू आप एयर कंडीशनर ने कितना पावर कंज्यूम किया है, यानी कि कितनी यूनिट कंज्यूम की है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। रिमोट के अंदर आपको एक ऑप्शन का बटन मिलेगा, जस्ट आपको उसे प्रेस करना है। उसके बाद रिमोट के डिस्प्ले के अंदर आपको यूनिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसे आपको रिमोट के थ्रू ही सेट बटन के थ्रू सेट करना है। उसके बाद एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर जहां पर टेम्परेचर विजिबल होता है वहां पर कितना एयर कंडीशनर ने यूनिट कंज्यूम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट डिटेल सैमसंग एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शंस के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों अपकमिंग डेज में जितने भी बेस्ट ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि डाइकिन, एलजी, पैनासोनिक, हैवेल्स, लॉयड, ब्लू स्टार, वोल्टास, इन सभी एयर कंडीशनर के रिमोट फंक्शंस के वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके के यूज़फुल वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपके सवालों का रिप्लाई आपको हमारी ओर से मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।